जुनैद, सायरा इधर आओ बेटा, मेरा चश्मा कहाँ चला गया? क्या हुआ मम्मी? बेटा मेरा चश्मा, अभी मैं ये किताब पढ़ रही थी, मैं और वजू करके आई थी तो छड़ी अपनी यहाँ रखी थी, दोनों चीजें गायब है। अब मुझे बुला रही थी? हाँ बेटा, मेरा चश्मा और छड़ी तो ढूंढो, अभी यहीं रखे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं पे नहीं समझ आती। ढूंढो ना तुम लोग, ढूंढो, उधर देखो, इस साइड पे देखो फरीद। समझ नहीं आती कि मेरे साथ दुश्मनी किसकी है भाई, मेरी चीजें इसी तरह खो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, फिर मैं तुम लोगों को बुलाती हूँ, वो मिल जाती, फिर कहते हो मेरा वहम है, क्या हो क्या रहा है? मिल गई अम्मा भी। ये देखे ना, ये कहाँ से मिली है? बाहर पड़ी थी। वहाँ कैसे पहुंची भाई? आप रखते भूल गई होंगी अम्मा भी। भूल कैसे गई होंगी, मैं पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया मेरा, सठिया गई हूँ जो चीजें रख के भूल जाती हूँ। अम्मा गुस्सा नहीं करें, किसी ने शरारत की होगी आपके साथ। तू हंस रहा है ना? तू नहीं किया होगा, पता तू नहीं किया होगा। नहीं अम्मा, मैं इन सबको डांटूंगी, मैं पता लगाऊंगी किसने किया ये। आप फिक्र नहीं करें, बस आप आराम करें। आराम कैसे करूं, मुझे तो नमाज पढ़नी है, वुजू करना है। अच्छा अच्छा, छड़ी आ जाए। ईशल जी मामा। बेटा वो स्टडीज कैसे जा रही है? आई मीन जुनैद के पढ़ाने के बाद कोई फर्क पड़ा? ऐसा वैसा फर्क, इतनी सख्ती से पढ़ाता है, भूल ही जाता है कि मैं उसकी कजिन हूँ, बिल्कुल खड़ू से यहाँ वहाँ की कोई बात ही नहीं करता। ये तो अच्छी बात है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ा रहे हैं। हाँ लेकिन मुझे इससे बहुत डर लगता है। डर? आपको पता है उसने मुझे क्या टारगेट दिया है? क्या टारगेट दिया? कह रहा था कि मुझसे ज्यादा परसेंटेज लेकर आना। अब बताएं ये मुमकिन है? ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा सुनो, शाम में जरा अच्छे से तैयार हो जाना। क्यों, कहीं जा रहे हैं? नहीं लेकिन तुम्हारे बाबा ने एक फैमिली को इनवाइट किया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। क्या? क्यों शादी अभी अभी क्यों? अब बाबा को मना करते हैं। क्यों शादी नहीं करनी? मतलब करनी है लेकिन अभी नहीं करनी। अभी अभी तो मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और मुझे निकम्मा नहीं बनना शादी करके। और वो मैंने आपको बताया था ना, मानूर की शादी है, मुझे उसकी शादी, वलीमा, बरात सब अटेंड करना है। तो आप बाबा को मना कर दें, साफ साफ मना कर दें, बल्कि उनको कहें कि आज भी नहीं बुलाएं, कभी भी नहीं बुलाएं। प्लीज बाबा आप उनसे बात कर लीजिएगा, मुझे नहीं करनी है अभी शादी।